नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं कुछ खास बात। जहां तक मुझे लग रहा है कि आलू की सीजन अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी मंडियां बंद भी हैं। आगरा की मंडी भी बंद है, दिल्ली की मंडी भी मतलब ऐसे ही 2-1 घंटे चालू रहती है। पंजाब में भी कर्फ्यू है तो वहाँ से भी कुछ भाव नहीं मिलता है। और इधर इंदौर की मंडी वहाँ भी बंद है आपकी MP वाली, और गुजरात की भी मंडी बहुत कम ही चलती है, 2-3 घंटे 4 घंटे बिक्री होती है खाली। और लॉकडाउन की वजह से बहुत जगह सेवाएं बाधित हैं तो वहाँ से भाव भी नहीं मिल पा रहा है और आलू की सीजन भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सेवा को लॉकडाउन तक अगर ब्रेक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। मैं कमेंट में जानना चाहता हूं, आप लोग अपनी राय दें कि इस सेवा को थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया जाए, तब तक लॉकडाउन खुल जाएगा और कोल्ड स्टोर भी चालू हो जाएंगे तो इस सेवा को फिर से शुरू कर दूंगा। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अब आज करते हैं भाव की बात, जो आज के भाव मिले हैं। सबसे पहले करते हैं उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद में जो आवक रही है वो आज 20 से 25 मोटर की रही है, और जो मीडियम आलू ख्याति पुखराज के जो मीडियम आलू हैं वो बिके हैं 1425 से 1500 रुपये। मंडी आज करीब करीब 25-30 रुपये डाउन रही है। तो मीडियम आलू 1425 से लेके 1500 रुपये क्विंटल बिके हैं, और ख्याति के बढ़िया आलू जो है वो 1500 से 1531 रुपये क्विंटल बिके हैं, और 3797 चिप्सोना वगैरह जो आलू हैं अच्छे आलू वो 1500 से 1550 रुपये क्विंटल बिके हैं, और हाईलैंड जो है वो 1600 से 1650 रुपये क्विंटल बिका है। अब बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर में आमदनी की बात करें तो आमदनी जो है वो 40-50 मोटर रही है, और भाव में वहाँ पे कम से कम 50 रुपये मन पे गिरावट है। जो भाव रहे हैं वो 550 रुपये से लेके 600 रुपये पे आमतौर पे आलू बिका है, 550 रुपये से 600 रुपये मन। और जो मीडियम आलू हैं और जो बढ़िया आलू हैं ख्याति के 3797 और चिप्सोना वगैरह जो बढ़िया आलू हैं वो 600 रुपये से लेके 625 रुपये तक बिके हैं, और सिंदूरी और हाईलैंड जो हैं वो 600 रुपये से लेके 650 रुपये मन के बिके हैं, और वहाँ पे आलू मन से बिकता है और मन जो है 40 किलो का होता है। अब बात करते हैं बनारस की। तो बनारस में आवक जो है वो 4-5 मोटर की रही है सिर्फ, और जो भाव रहे हैं वो जो वेस्ट बंगाल का आलू है उसके भाव रहे हैं 1400 से 1450 रुपये क्विंटल, और जो यूपी का आलू जाता है वो 1500 से 1600 रुपये क्विंटल रहा है, और इक्का दुक्का आलू बढ़िया आलू जो है वो 1650 रुपये क्विंटल भी बिके हैं। और बैलेंस में बनारस में बताया गया है कि बैलेंस काफ़ी है अभी भी। बिहार गुलाब बाग से रिपोर्ट मिली है, वहाँ पे सफ़ेद आलू बिक रहा है 1450 से 1500 रुपये क्विंटल, और हाईलैंड जो है वो 1600 से 1650 रुपये क्विंटल। और वहाँ से एक खबर और मिली है बिहार गुलाब बाग से कि वहाँ पे बारिश, सुबह काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र मुंबई की। तो महाराष्ट्र मुंबई में जो भाव रहा है वो 2000 रुपये से लेके 2200 रुपये क्विंटल का भाव रहा है, और ये अच्छे आलू के ही भाव हैं, और महाराष्ट्र में जो है मुंबई में अच्छा बढ़िया आलू ही बिकता है वहाँ पे, और बढ़िया आलू ही जाता है ज़्यादातर। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल वर्धमान में आलू जो है बाहर का आलू जो डंप वाला आलू है वो 750 से 760 रुपये रहा है, 750 से 760 रुपये पैकेट, और जो कोल्ड का आलू है वो 800 रुपये से 820 रुपये पैकेट रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर से जो भाव मिला है वो वहाँ से बताया गया कि 820 रुपये से 830 रुपये पैकेट बिका है, और सिंगूर में काफ़ी अब भाव बताया गया है, वहाँ पे बताया गया 880 रुपये से 910 रुपये पैकेट का आलू बिका है। तो ये थे जो भाव अभी तक मिले थे, और कमेंट में आप मुझे अपने यहाँ का भाव जरूर बताएं ताकि सभी को सभी जगह का भाव पता चल सके। धन्यवाद।